मैं वारीपतित, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। हमने लगातार आपको कुर्ला SCLR की अपडेट दी थी। हमने पहले आपको दिखाया था कि किस तरह SCLR पे बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिज के गंदा पानी जमा होने से ब्रिज में दरारें पड़ रही है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। जिसके बाद दूसरे दिन हमने आपको यहाँ की अपडेट दिखाई थी कि ब्रिज का एक जो मेन जॉइंट था वो टूट रहा था, उसमें गड्ढे हो गए थे बड़े बड़े। लेकिन अब हमारी न्यूज़ चलने के बाद BMC नींद से जागी है, होश में आई है और BMC ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हो जो गड्ढा हमने आपको दिखाया था, अब वहाँ पे काम शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक काम हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि काम हो चुका है काफ़ी हद तक, और बाकी भी काम बाकी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि BMC ने किस तरह मटेरियल लेकर आके यहाँ पर रखा हुआ है, और लगातार BMC यहाँ पर काम शुरू कर दिए है और पूरा काम हो जाएगा। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार इसको 3 से 4 दिन पूरा बनने में लगेंगे, क्योंकि ये एक किस्म का जॉइंट था इसलिए उसको वक्त लगेगा। जॉइंट में जो प्लेट लगाई गई थी, जो रॉड लगाए गए थे, उसे भी चेंज कर दिया गया है, नया रॉड लगाया गया है जिसको अभी भरने में वक्त लगेगा। तो 3-4 दिन के अंदर यहाँ के जॉइंट का पूरा काम हो जाएगा। तो BMC ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी BMC का काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी सी बरसात में मुंबई में यही नहीं पूरे मुंबई में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि अचानक ड्राइव करते करते कौन सा गड्ढा कब सामने आए ये पता नहीं चलता। तो 2-व्हीलर वाले, बाइक वाले और स्कूटर वाले से हमारी ये विनती है कि ड्राइव स्लो करें ताकि कोई गड्ढा आ जाए तो आप कंट्रोल कर सके, आपके साथ में हादसा ना हो। और अब ये भी देखना है कि जो ये जो बनाया गया है ये कितने दिन टिकता है, या थोड़े दिन फिर बरसात गिरने के बाद फिर गड्ढा हो जाएगा। इसमें ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।